नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ अमेठी के बरौलिया गांव पहुंचे। बरौलिया वही गांव है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोद लिया था। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहेगी तो वो इस गाँव के विकास के लिए तमाम कार्य करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ शनिवार को बरौलिया गांव पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सुरेंद्र सिंह की हत्या बहुत ही दुखद घटना है। वह पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता थे और भाजपा परिवार उनके परिजनों के साथ खड़ा है। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि सांसद के रूप में गोवा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बरौलिया गांव को गोद लिया था। इस मौके पर उन्होंने बरौलिया के विकास का वादा करते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो हम पर्रिकर की याद में इस गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, जो अन्य समस्याएं होंगी उसको ठीक करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अमेठी 2014 में आया था। मैंने सुरेंद्र सिंह के साथ 20-22 दिनों तक काम किया था। वो बहुत अच्छे इंसान, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्मृति ईरानी के साथ गांव का दौरा भी किया, लोगों के साथ बातचीत भी की और इस मौके पर उन्होंने गांव के विकास का वादा भी किया। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।